दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज सीपी दफ्तर के बाहर देखिए फोर्स बुलाई गई है, तमाम जवान आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी पुलिस फोर्स यहां पर आई हुई है और इधर सैकड़ों लोग आए हुए हैं। आपने सुना होगा मंझावली गांव में एक प्रवासी किसान की हत्या कर दी गई, उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, दो बेटियों के हाथ पांव तोड़ दिए गए, उसके भाई के भी पैर तोड़ दिए गए। तो ये सैकड़ों लोग आए हैं, प्रवासी नेता संतोष यादव और अन्य समाज सेवी हैं, नेता हैं, यहाँ पर आए हैं सीपी साहब से मिलने के लिए और इनका कहना है कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के खिलाफ ये लोग यहाँ पर आए हैं। मधुबन मेरी बात ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए बात है सर, ये नहीं कि गायब होने वाली बात, मुझे मालूम है सारी बात। थाने और चौकियों में न्याय नहीं मिल रहा है जनता को, थाने और चौकियों में बड़ा बुरा हाल है। थाने में पिछले क्या मांगे भैया, यहाँ क्यों आए आप लोग? ऐसा है कि ये बिचारी प्रवासी मजदूर है, इनके परिवार के पूरे कोई पूर्व सरपंच है, उसने हाथ पैर तोड़ दिए इनके परिवार के, इनके और इनके पिता की हत्या कर दी गई, इनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया, असली हरकतें की गई। मेरी मांग है शासन प्रशासन से और पूरे पुलिस विभाग से कि इस प्रवासी मजदूर को अकेला बिल्कुल भी मत समझे, संतोष यादव इनके साथ है और पूरी टीम इनके साथ है और आम आदमी पार्टी टीम इनके साथ है। किसी भी गरीब मजदूर के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो समय गया कि किसी प्रवासी के साथ हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे, उनकी जमीन कब्जा कर ली जाती थी, उनके साथ मारपीट कर दी जाती थी, कोई नेता नहीं होता था। आज संतोष यादव के ऊपर पूरा आशीर्वाद है बड़े बुजुर्गों का और पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि इस बिटिया का, इसके परिवार का पूरी सुरक्षा की जाए। सरकार से हमारी मांग है कि जो इनके परिवार के हाथ पैर तोड़े गए हैं उसमें पूरे के पूरे इनका फ्री इलाज किया जाए। जो प्रभुनाथ सिंह का मर्डर किया गया ना मंझावली गांव में, उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये बिटिया हमारे साथ आई हुई है, घायल हैं, दो बहनें इनकी घायल हैं और एक अभी अभी ये बिटिया डर रही थी आने में कि मैं वहां तक आऊंगी, मेरी जान को खतरा है। मैंने कहा कि हम तेरे पिता के बराबर है और तू हमारी बेटी है और आज से हमने इसको अपनी बेटी मान लिया है, इसके साथ कुछ भी अनहोनी होगी। संतोष यादव इनके साथ खड़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि इनके साथ हो। और इसके साथ ही हमारे कई और मुद्दे भी हैं जिसमें जो गरीब मजदूर जो बाहर से परदेशी यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे तमाम हमारे साथी हरिंदर भाटी जी, जगदीश नेता जी, खुर्शीद पहलवान जी, ऐसे तमाम साथी हमारे साथ आए हुए हैं। ये बेचारे किसी समय इन्होंने सस्ते में मकान ले लिया, प्लाट ले लिया और उस पर भूमाफिया आके कब्जागिरी करते हैं। जब ये थाने चौकी के अंदर जाते हैं तो थाने चौकी वाले कहते हैं भाई ये जमीनी विवाद है, ये कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट का मामला प्रशासन ने, सीपी साहब, डीसीपी साहब ने उसके लिए कहा था कि घरेलू कोई झगड़ा हो, घरेलू जमीन विवाद हो तो कोर्ट में निपटना चाहिए। उसकी आड़ में भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं। भूमाफिया क्या करते हैं कि सीधा किसी की जमीन पे जाते हैं, कब्जा करते हैं। जब थाने चौकी में आदमी आता है कहता कोर्ट जाओ, अरे गरीब आदमी के पास जब मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है तो कोर्ट कचहरी में लाखों लाखों के वकील कहाँ से लेंगे। ये मामला है हमारा साथ में, FIR नंबर 473 है जिसमें कई कई साल तक है, दो साल हो चुके हैं, आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसका 473 के अंदर जगदीश नेताजी हैं, इनकी जमीन कब्जा कर रहे थे कुछ बदमाश, उसमें अभी मेमपाल भड़ाना और जई है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक हमारे साथ संदीप अरोड़ा जी आए हुए हैं, इनकी भी जमीन कब्जे का मामला है। हमारे साथ खुर्शीद पहलवान जी आए हैं, उनके जमीन पे भी ध्वस्त थाने का मामला है। डबुआ थाने के अंदर सट्टेबाज अवैध शराब माफिया पूरा सक्रिय हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और संतोष कई मामले की शिकायत पुलिस से है, पुलिस प्रशासन से है, कहाँ से कितने शिकायत है? मैं आपसे क्या करूँ, पुलिस प्रशासन के पास हम लेकर आए हैं, गुलाब का फूल लेकर आए हैं। मैं सीपी साहब है, ये गुलाब का फूल है, हम अधिकारी जी को देंगे। मुझे मालूम था कि आज हम लोग आएंगे, हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, जबकि हमने पहले ही अल्टीमेटम कर दिया था कि हम सीपी साहब से इतनी समस्या लेके आएंगे। पत्रकारों पर हमला हो रहा है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जा रहे हैं। विधवा बुजुर्ग महिला है यहाँ पर आई हुई है, कहाँ है क्या वो सामने, जो 60 साल की बुजुर्ग महिला है, इधर आओ जरा, हाँ इधर आओ, जरा इधर आओ, उनको बुलाओ। तो सब साथ हैं भैया, हरिंदर भाटी जी सब साथ हैं, संतोष यादव सब साथ हैं, संतोष यादव जी एक गरीब मजदूर और गरीब लोगों की आवाज उठा रहे हैं, हम सब इन्हीं के साथ हैं। और जिस तरीके का फरीदाबाद में माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से ये माफिया और ये जो गैंग्स हैं ये जबरदस्ती का मकानों पे कब्जा कर रहे हैं और अवैध कब्जा कर रहे हैं, इस तरीके की जो ये मिली भगत चल रही है, थाने में जाते हैं वहाँ लगातार चक्कर लगाते हैं, पहले तो वो रिसीविंग नहीं देते हैं। रिसीविंग मांगने का मतलब ये होता है कि उन कोई गुनाह कर दिया कंप्लेनर ने, उसे घुमाते रहते हैं, कागज नहीं है कागज लेके आओ, कार्बन लेके आओ, ये नहीं है वो नहीं है, और उसे रिसीविंग नहीं देते हैं। बहुत आधी कंप्लेन तो बिना रिसीविंग के ही ख़त्म हो जाती है, उनके चक्कर लगाते हैं, जब रिसीविंग देते हैं तो उन्होंने उनको दफ्तर दाखिल करके बंद कर दिया जाता है कि जमीनी विवाद है, दफ्तर दाखिल कर दिया जाए।
जमीनी विवाद अगर कोई घरेलू विवाद है तो वो कोर्ट में जाएगा ना। अगर किसी ने नकली कोई पेपर बनवा लेता है, फर्जी एग्रीमेंट बनवा के उन पे कब्जा कर रहे हैं ये जो माफिया चल रहे हैं, तो इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? लगातार पुलिस पे कंप्लेन जा रही है, एक एक कंप्लेन 8-8 बार जा चुकी है पर उन पे कोई उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक बल्लभगढ़ सदर थाने का मामला है और दूसरा हमारा डबुआ थाने का मामला है। बताइए क्या है आपका मामला? मेरी कोई सुनाई ना पकड़ रहा हो, हम गरीब हैं, परेशानी कंपनी वाले नवाई के, मेरे बेटा हमारा वायदा फोन करके हमारा वायदा हुआ है, कंपनी वाले ने फोन करके बुलवाए के हमारा वायदा हुआ है, मेरी कोई चोरे ना सुनना हो, कोई ना सुनना हो माई, मजदूर आदमी हो कोई सुन लो है ना माई, थाने अब हम क्या करेगा ना करेगा, क्या करूँ मैं, अब रिपोर्ट लेता ना मेरी नैया को बार लगावे बेटा। मेरे को ये जो परिवार है सब परदेशी आदमी है ज्यादातर, ये विधवा महिला लगभग 70 साल उम्र है इसकी, गृह मंत्री अनिल विज जी तक हो आई है। अरे मैं कह रहा हूँ कम से कम अपने मंत्री संतरी की तो शर्म करे सरकार, इनकी तो सुनवाई करे कम से कम। 30 लाख का प्लाट 4 लाख में कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद पोस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज हो गया है, अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं करी है। हमारी केवल ये मांग है कि अवैध शराब सट्टे माजिया के अधीन पुलिस प्रशासन ना रहे, खट्टर सरकार इनके अधीन हो चुकी है, गरीब मजदूरों की सुने, हर मामला अगर कोर्ट के अंदर करेंगे तो फिर यहाँ कौन सुनवाई होगा? कई बहन बेटियां, अभी कई लोग ऐसे आए हुए हैं जिनकी बहन बेटियां बिचारी लापता है, 6-6 महीने हो गए थानों के अंदर उनकी फाइलें लटकी हुई हैं। हम कई बार क्राइम ब्रांच, मिसिंग क्राइम सेल एक बना रखा है क्राइम ब्रांच, वहाँ अगर कंप्लेन ट्रांसफर होती है तो हफ्ते दिन में ढूंढ लेते हैं वो, मुझे पता है थाने चौकियों में क्या है कि संख्या कम है, वजन ज्यादा है, वहाँ पर रोज पंचायत 100 तरह की चीजें होती है। हमारी सीधा मांग है कि जिसकी बहन बेटी घर से जाती है 6-6 महीना 2-2 महीना लग जाता है और क्राइम ब्रांच तुरंत ढूंढ लेता है, तो क्यों ना उस फाइल को तुरंत के तुरंत वहीं ट्रांसफर कर दिया जाए जब यहाँ आपके पास संख्या नहीं है तो उसकी। इन मामलों में कोताही नहीं होती, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनकी सारी डिटेल ज्ञापन में है, वो आपके माध्यम से सभी पत्रकार भाइयों को पहुंचा दी जाएगी। डीसी साहब तो है नहीं, अब ज्ञापन किसको देंगे आप? आज डीसीपी साहब मिलेंगे, अब ये सीआईडी वाले आए थे सारे, हमसे कहा उन्होंने कि हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो मिलेंगे और जहाँ जहाँ हम क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कराना चाहें, चाहे डीसीपी साहब को या किसी के अंदर हम कोई एसआईटी गठित करवाना चाहें, वो सारी उन्होंने हमसे कह दिया है और अभी हम जाकर उनको देंगे। कई मामले लेकर आए हैं आपने, ज्ञापन में लिखा है, क्या लग रहा है पुलिस विभाग काम नहीं कर रहा है? देखो आज मैं गुलाब का फूल लेकर आया हूँ, ये गुलाब के फूल हैं सारे, निकालो भाई दिखा दिया अभी अभी नहीं नहीं अभी देंगे ये सबसे पहली बात है हमारी तरफ से मीडिया वाले भाइयों के लिए सबके लिए, ठीक है ना? और ये गुलाब का फूल पुरुष, ये आज सीपी साहब का हमने स्वागत है फरीदाबाद के अंदर, इसके बाद संतोष यादव धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देगा, जितने मैं लेके आया हूँ इसमें अगर गिरफ्तारी नहीं हुई जल्द से जल्द, और खासकर ये मंझावली वाला जो मामला है ये बड़ा दर्दनाक है, ये नहीं है यूपी बिहार से कोई आ गया, इनका कोई सुनने वाला बोलने वाला नहीं है, इनके सुनने वाले बोलने वाले के लिए और बेटी को मैंने पूरा आशीर्वाद दिया, इसके पिता के समान मैं बोल रहा हूँ, तेरे लिए मुझे जेल भी जाना पड़े ना तो जेल भी चला जाऊंगा, लेकिन ये अधिकारियों से एक भी आरोपी को ऐसा नहीं है जो कि गिरफ्तार नहीं होगा, जिसपे तूने आदर ये आया आरोपी वो पूरा का पूरा परिवार अंदर जाएगा, कोई नहीं बचेगा इसके अंदर भी, ये नहीं किसी के बाप को मार दिया, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, एसएचओ कह रहा है इसे कि इनसे फैसला कर ले, ये हमारे अपने आदमी है, बढ़िया आदमी है, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे वहां पर। अरे यूपी बिहार की बेटियां और यूपी बिहार के लोग बड़े संस्कारी लोग हैं, उनके लिए किसी चीज की कमी नहीं है, शादी ब्याह के लिए कमी नहीं है, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ऐसे लोगों को, मैं तो कहता हूँ काहे का सरपंच है ऐसा आदमी है। एक मामले में 4 बार सीपी साहब से मिला हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। संतोष यादव बताओ मैटर में ये कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ पीड़ित किसी परिवार का हो, लेकिन क्या होता है यहाँ के लोगों की सबकी कहेंगे जानकारियाँ होती है, सीपी डिवीजन के लिंक जान पहचान के होते हैं, लेकिन जो परदेशी यूपी बिहार राजस्थान गढ़वाल हिमाचल उनके अपने लिंक नहीं होते तो उनको बिचारों को धक्के खाने पड़ते हैं, तो कोई ना कोई तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आपके काम में? SHO साहब बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य आरोपी हैं करमबीर राकेश और भी 3-4 हैं और ये तो 15-20 आके इन लोगों ने एकदम से हम लोगों को मारा पीटा, पापा को मार दिया इन लोगों ने जान से, ये सोच कर आए थे कि इनको आज जान से मार देंगे सबको, कोई भी नहीं बचेगा तो जाएगा कौन आगे, तो मैं किसी तरह से भाग गई थी वहाँ पे, इसीलिए मैं बच गई हूँ तो आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ, वरना ये लोग मुझे भी बहुत देर तक वहाँ पे ढूंढ रहे थे पर मैं इन्हें नहीं मिली। पुलिस ने कोई सुरक्षा प्रदान की है आपको या जो है कोई आश्वासन दिया हो? पुलिस ने हॉस्पिटल पे एक सिपाही रखा है, लेकिन ये जो मुख्य आरोपी हैं करमबीर राकेश और भी हैं इसमें,
और इनको नहीं पकड़ा गया अभी तक, इनका कोई पता नहीं है, ना इनको पकड़ रहे हैं, नहीं कुछ बता रहे हैं। एक वीडियो आपने दिया जिसमें राकेश महिलाओं को बुला रहा था, उसको हाँ। आपने पुलिस को दिया, उसमें कुछ कार्रवाई? उस सारे हमने पुलिस को दिए हैं। इससे पहले भी हमने पुलिस से बोला था कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हमारे पापा नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है, उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम दवाई करा सकें। वो चार दिन से ऐसे कि ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं अकेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं से कोई फाइनेंशियल मदद वैसे भी लूट ले गए आपका कहना है? पैसे वैसे लूट ले गए आपका कहना है? हाँ, इन लोगों ने हमारे घर के सारे कपड़े, जो गहने थे, जो पैसे थे, वो सब कुछ ले गए, सब कुछ। कोई समाज सेवी संस्था कोई आई हो, किसी ने कोई फाइनेंशियली मदद कोई की हो? नहीं, अभी तक किसी ने मदद नहीं की हमारी, कोई मदद नहीं की है? नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं आया। पाटी साहब, आज आप आए हैं यहाँ, इनके साथ में कुछ कहना चाहेंगे इस बच्ची की आवाज को लेकर के? इस बच्ची की नहीं, हम फरीदाबाद की अपितु फरीदाबाद के हर बुजुर्ग, महिला, जवान, नौजवान साथी और बच्ची सभी के साथ हम आम आदमी पार्टी पूरी खड़ी हुई है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पहला कृत्य नहीं है, ये ऐसा कि जो उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है, न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ रही है इस प्रशासन से। और लगातार व्यक्ति अपने कंप्लेन करने जाता है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। FIR दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, पहले तो FIR दर्ज नहीं होती है, आधी FIR तो वैसी कंप्लेन तक ही नहीं पहुंच पाती है, और जो कंप्लेन तक पहुंच जाती हैं उनमें से मुश्किल से कुछ FIR दर्ज होती हैं। दर्ज होने के बाद उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। इन लोगों ने बोला है कि जो बचे हुए हैं ना, उनको हॉस्पिटल में चल के गोली मार देंगे, इस बार नहीं बचेंगे ये, कोई रहेंगे नहीं तो आगे कैसे पहुँचेंगे, और इनसे हमें अभी भी बहुत खतरा है। मैं चाहती हूँ कि राकेश करमवीर जो है, ये इसमें मुख्य आरोपी हैं, ये पकड़े जाएं। इनके अभी भी दुकानें चल रही हैं, ये घूम रहे हैं खुले अड्डे पे, मझावली इनकी दुकानें चल रही हैं और ये खुले घूम रहे हैं अभी। इनसे हमें जान ऐसा है, इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने CP साहब को बुला लिया है, तो हम तो अपनी तरफ से CP साहब का बहुत बहुत देते हैं, क्योंकि वैसे फरीदाबाद की जनता को बहुत उम्मीदें भी हैं CP साहब से, क्योंकि आने के बाद जो इनका एक्शन देखने को मिला है उससे उम्मीदें हैं कि अब सुरक्षा और सम्मान सबको मिलेगा, प्रवासियों को। लेकिन हमारा एक बार मिलना बहुत जरूरी था, ताकि उनको हम ज्ञात भी कराएं कि ऐसी ऐसी समस्या हमारे क्षेत्र में आ रही है। तो उस मामले में अभी हैं, बड़े अधिकारी हैं, अभी मिलेंगे DCP साहब का, उन्होंने कहा है कि मिलेंगे, हमसे बात करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों, ये लोग आए हैं CP साहब से मिलने के लिए, और न्याय की मांग है। जिस तरह से मंझावली में दिन दहाड़े किसान का मर्डर हुआ, पूरे परिवार पर हमला हुआ था, किसान का मर्डर हो गया, उसकी पत्नी, बेटी, दो बेटियां, बेटा सब घायल हैं, एक बेटी भाग गई तो उसकी जान बच गई। तो ये सारे लोग आए हैं CP साहब से मांग करने के लिए, इस तरह से प्रवासियों को कमज़ोर ना समझा जाए, उनकी हत्या ना की जाए, उनको पुलिस थानों में भेदभाव का सामना ना करना पड़े, उनकी भी सुनवाई हो, ऐसी तमाम मांगे हैं। बाकी देखते हैं इस मैटर में यहाँ पर क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। काफ़ी लोग हैं तो पुलिस फोर्स भी यहाँ पर बुला ली गई है, ताकि किसी तरह का हंगामा ना हो, कोई यहाँ पर बवाल ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।